हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होगा यदि टूट गया भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसमें भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जो कि कौन सी नदी पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये जो है भागीरथी और भीलांगना जो नदी हैं, उन दोनों के संगम पर ये बांध जो है बना हुआ है और उत्तराखंड में ये बांध जो है स्थित है। और इसका जो निर्माण कार्य है वो 2006 वर्ष में पूरा हुआ था। और इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 260 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और ये भारत का सबसे ऊँचा बांध है। विश्व की अगर मैं बात करूँ तो विश्व का ये पाँचवा सबसे ऊँचा बांध है हाइट के हिसाब से। ये जो है इतना ज़्यादा इसकी हाई ग्रेविटी है। इसकी अगर बात करूँ, अगर ये टूट जाता है तो भारत के किन किन जो मतलब जगह हैं उनको नुकसान होने वाला है, तो मैं बताऊँ आपको। ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, तो इससे जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है इसमें सबसे ज़्यादा इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो जैसे उत्तराखंड के पास जो अगर ऋषिकेश है, हरिद्वार है, इसी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में आ जाए तो बिजनौर है, मेरठ है, बुलंदशहर है, इन जो शहर हैं इनमें सबसे ज़्यादा इसका नुकसान, इसकी तबाही जो है देखने को मिलेगी। क्योंकि टेहरी डैम जो है सबसे ऊँचा बांध भारत का बना हुआ है और इसकी ऊँचाई जो है 260 मीटर है, जो कि सर्वाधिक है भारत में, और विश्व में ये जो है पाँचवें नंबर का सबसे ऊँचा बांध है। और इसके बारे में बता दूं आपको, ये जो है वर्ष 2006 में इसका कार्य जो था वो पूर्ण हुआ था। ये देखिए, इसके बाद मैं बताऊं आपको, ये आप पहचान सकते हैं, ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग तब जब एक तरफ से भागीरथी नदी आती है, दूसरी तरफ जो अलकनंदा इसको मिलती है, तो भागीरथी और अलकनंदा मिल करके देवप्रयाग का निर्माण करते हैं और यहीं से हमारी गंगा नदी आगे चलती है। तो ये है गंगा नदी का उद्गम स्थल, मतलब गंगा नदी कहाँ से बनती है वो है हमारा देवप्रयाग। उसके बाद मैं बताऊं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये आप जानना चाहें तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। ये जो है ओडिशा में महानदी पर स्थित है। इसके एक और बहुत ही बड़ा जलाशय है जिसको रोकने के लिए ये जो है भारत का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। इसकी अगर लंबाई की बात करूँ तो ये 25.8 किलोमीटर लंबा बांध है और इसकी जो ऊंचाई है वो 61 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो सबसे लंबा बांध जो है भारत का ये है। और 1957 में जो है इसका कार्य पूर्ण हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। उसी के साथ ही साथ यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड डैम याद रखिएगा, जो कि ओडिशा में महानदी पर स्थित है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।